तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, होठों पे मुस्कान और हाथ में गिलास, क्या इरादा क्या है? इरादे की पूछेंगे तो रात बीत जाएगी, बिना पूछे पी जाएंगे तो बात बन जाएगी। ओहो, क्या है गिलास में, जरा पास आके बताएगी? मैं क्या लाई हूँ गिलास में पता चल जाएगा जब पी जाओगे इसे एक श्वास में। कहीं केसर पिस्ता बादाम वाला दूध तो नहीं लाई? अरे सिर्फ एक गिलास क्या, तू कहे तो पूरा हांडा भर के पी जाऊं एक श्वास में। पूरा हांडा भर के पी जाऊंगा एक श्वास में? पहले ये एक गिलास तो पीकर बताइए एक श्वास में। देख कैसे पीता हूँ ये गिलास एक श्वास में, ला। अरे पीजिए। क्या है ये? काढ़ा। अरे काटला काढ़ू ना टकला, अता तुला पर घरा बैर काट तो। और मैं क्या उसका चूहा हूँ जो ऐसे अजीब अजीब खतरे मुझ पे करती है? उसके पास उसका खुद का टोपी वाला चूहा है ना, उसको बोल उस पे खतरा करे। टोपी वाला चूहा? अरे वो छछुंदर। छछुंदर? सुंदर सुंदर। अरे टोपू के पापा सुंदर वीरा तो ये सब सामने से मांग के पीता है, सुबह उकाड़ा, फिर गाजर का जूस, फिर काढ़ा, और पता है ये पीने से उसका दिमाग देखा कितना तेज हो गया है और उसका शरीर एकदम फुर्ती है, और इसकी वजह से उसका स्वभाव इतना सुंदर है कि पूरा अहमदाबाद सुंदर हीरा का दीवाना है। टप्पू के पापा आप तो बहुत नसीब वाले हैं कि आपको इतना अच्छा साला मिला है। अरे साला ही क्यों, बीवी और सासू भी खतरनाक मिले। मतलब? मतलब काबिले कारीफ मिले हैं। हाँ वो तो है। अभी जरा एक गिलास पानी पिलाएंगे, पूरा मुंह एकदम कड़वा कड़वा हो गया। जरूर। आप मुझे जरा ये बताएंगे कि आप चूरन वाला पानी पियेंगे कि सादा पानी पियेंगे? सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी। अब पिलाई पिलाई। टप्पू के पापा एक बात कहूँ? क्या? पता नहीं क्यों आज मुझे सुंदर वीरा की बहुत याद आ रही है। मेरा वीरा क्या कर रहा होगा? फोन करके पूछ ले, अगर फ्री बैठा हो तो उसको बोल जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दे। अरे ला चल मैं एक गिलास पानी जाओ मुझे वहां का मोल दो। क्या क्या मोल दे? क्या बोले? ए ए क्या वहां का, क्या वहां का? मनी मन घुसपुस 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 करती रहती, पता नहीं चलता। बका ये हिचकी बंद ही नहीं हो रही है, लगता है मुझे माय डियर बहना याद कर रही है। आश अबे गई, बोलो क्या प्रॉब्लम है? सुंदर भाई माँ उसमें ऐसा है कि एक साल पुराना प्रॉब्लम है भाई। लोग कहते हैं कि रात गई और बात गई, और तुम एक साल पुरानी प्रॉब्लम लेके आते हो। सुंदर यार
पिछले साल भी तूने सभी दोस्तारों से 5,000 रुपए जमा किया और बोला कि नए साल की पार्टी दूंगा, वो वादा भी अभी तक पूरा नहीं किया। करेंगे करेंगे भाई करेंगे। पिछले साल का तो वादा तूने पूरा किया नहीं, इस साल भी नए साल की पार्टी का वादा करके सबसे पैसे भी ले लिए तूने। डबल पार्टी करेंगे भाई। अरे सुंदर भाई, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलो तो सब लोग एक ही सवाल करते हैं, नए साल के पाल्टी कब दोगे, नए साल के पाल्टी कब दोगे, नए साल के पाल्टी कब दोगे। बस बका बस, अबे पार्टी आप ही दे दू, नहीं ये लोग को अपन ने भगवा दे। मतलब दूंगा पार्टी, दे दूंगा भाई। हेलो। अरे सुंदरिया कहाँ है तू? इस साल पार्टी देने वाला है या नहीं, या ये साल भी पैसा हजम करने वाला है? अरे नहीं नहीं भाई, पार्टी मैं जरूर दूंगा, मैं किसी का पैसा डुबोता नहीं हूँ। हाँ याद रख सुंदर, इस साल पार्टी नहीं हुई ना तो अहमदाबाद में तेरा रहना मुश्किल कर दूंगा। हो हेलो। हेलो। क्या चाहिए सुंदर, क्या पैसे लेकर गायब ही हो गया? हर बार बोलते हैं पार्टी दूंगा लेकिन देता तो नहीं है। अरे के आ वक्त पार्टी जोइए એટલે જોઈએ। हां हां भाई दे दूंगा, तुम्हारे पैसे मेरे पास ऐसे सलामत है जैसे शेर के पास बकरी। क्या? अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। सुंदर मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे इस बार तो मैं जबरदस्त पार्टी दूंगा और वो भी मुंबई में। सुंदर इस बार वादा तोड़ा ना तो याद रखना बहुत कुछ टूटेगा। भाई सब कुछ तोड़ना लेकिन अपनी दोस्ती मत तोड़ना। बका लगता है इस बार पार्टी देनी ही पड़ेगी। अरे सुंदर भाई, अहमदाबाद में पार्टी देने के फाफे तो मुंबई में पार्टी कहाँ से देंगे? मुंबई में माय डियर जीजा जी के गोकुलधाम सोसाइटी में, गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड भी बहुत बड़ा है, पार्टी वहीं पे करेंगे, खर्चा भी कम होगा और सब लोग खुश भी हो जाएंगे। ए बका चल फटाफट अत्यारत मुंबई जवा निकली है, चल चल अभी मुंबई जाते हैं। हेलो हेलो माय डियर बेना, कैसी हो तुम? अरे वीरा मुझे लगा ही तू मुझे याद कर रहा होगा। वीरा तू मानेगा नहीं, अभी मुझे हिचकी शुरू हुई ना तो मैंने तुम्हें याद किया और तुम्हारा फोन आ गया। वीरा मेरी हिचकी भी बंद हो गई। ओ सुंदर तू हजारों साल जिएगा और जब तक सूरज चांद रहेगा वीरा तेरा नाम रहेगा। थैंक यू माय डियर बेना, थैंक यू। देख बेना अभी रात काफी हो गई है तो मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं कल सुबह मुंबई आ रहा हूँ। कल सुबह आ रहे हैं? आओ आओ वीरा मजा आएगा। लेकिन वीरा ऐसे अचानक आने की कोई वजह? सब ठीक है ना सुंदर? अरे बेना सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इस साल नए साल की जलसा पार्टी 2014 गोकुलधाम सोसाइटी में मनाई जाए आप सब लोगों के साथ। अरे वाह मस्त आइडिया है वीरा, मजा आएगा। और टोपू के पापा ये सुनेंगे ना तो नाचने झूमने लगेंगे। पता है बेना बेना, लेकिन तू उनको मत बताना, मैं कल खुद आके उनको बताऊंगा और वे भी मेरे साथ खूब नाचेंगे। ठीक है वीरा, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, ये बात सिर्फ हम तीन लोगों के बीच में ही रहेगी। तीसरा कौन बेना? तू मैं और यफान। बेना तुम भी ऐसा बोल वाली करते हो ना कि मैं खुद डर जाता हूँ। चलो बेना। अच्छा अच्छा बेना, चलो मैं रखता हूँ बेना, बाय बाय। तुम्हारा संसार नी गाड़ी चले पूर पाट थी माता जी। चलो पक्का मुंबई जाने की तैयारी करो, खाओ पियो ने जलसा करो, जलसा पार्टी 2014 मुंबई में गोकुलधाम सोसाइटी में। आ
आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तु ते पुरुषा शीर्षा दृष्ट्या मनसा वचसा पद्भ्या करभ्या जानुभ्यदश्रवणम् आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नो जायते कालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं सूर्यपादोदकं तीर्थजठरे धारयाम्यहम्। क्या खुशनुमा मौसम है आज। अरे दो दो तितली, आहा मस्ती खोर, ओह कैसे खेल रहे। अरे वाह वाह वाह, आहा क्या नजारा है। अरे दो नहीं तीन है, वाह वाह वाह, आज तो कुदरत सारे करिश्मे एक साथ दिखा रहे। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी। बबीता जी आपको देख के मैं एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ। क्यों समझ में नहीं आ रहा है आज मौसम ज्यादा गुलाबी है या आप। आप भी ना जेठा जी। नहीं नहीं सच कह रहा हूँ। माय गॉड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। Same to you. Okay, bye. Okay, same to you. Thank you. अच्छी शुरुआत हुई दिन की। क्या हुआ? किसका क्या हुआ? अरे मतलब तू हंस क्यों रहा है? आप हंस रहे इसलिए मैं हंस रहा हूँ। आप बताइए आप क्यों हंस रहे हैं, क्या हुआ? अरे मैं तो ये अखबार में एक बहुत बढ़िया जोक आया है वो पढ़कर हंस रहा हूँ। अच्छा सुन सुन तू भी सुन। सिर्फ शादी ही एक ऐसा जख्म है जिसमें चोट लगने से पहले ही हल्दी लगाई जाती है। हाँ बापू जी ये जोक मार्केट में भी बहुत घूम रहा है, मुझे भी किसी ने मोबाइल में भेजा था। सरस सरस सरस, शादी ऐसा जख्म है पूरा भला में हल्दी बल्दी। वाह वाह बापू जी आपको इस तरह हंसते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तू भी कभी कभी हंसा कर, पूरा दिन टेंशन लेके घूमता रहता है। अरे जेठिया जिंदगी में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, अरे कभी शांति से जिंदगी का मजा भी लेना चाहिए। जेठिया तू एक काम कर, तू आज दुकान मत जा। बापूजी हाँ तू आज छुट्टी कर ले। ओहो आज ये सब क्या हो रहा है, सुबह सुबह बबीता जी के दर्शन हो गए अभी बापूजी दुकान से छुट्टी लेने को कह रहे हैं। गजब का है दिन देखो जरा। अरे क्या हुआ क्या सोच रहे है? बापूजी आप कह रहे तो मैं सोच रहा हूँ आज दुकान नहीं जाऊँ। आज वैसे भी दुकान में खास कोई काम है नहीं, तो बापूजी काम करते आज आप मैं दया टप्पू हम चारों बाहर खाना खाने जाते हैं। बहुत दिन हो गए खास हम चारों इस तरह खाना खाने नहीं गए बापूजी। नहीं हाँ मैं दया को बोल देता हूँ वरना वो रसोई बना देगी। पापा 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 आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद क्यों क्या हुआ? पापा मैंने अभी बुक में पढ़ा कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। अरे बेटा मुझे तो पता है इसीलिए तो मैं बार बार बापू जी के पैर छूता हूँ बापू जी। शाबाश टपुड़ा शाबाश, हमेशा ऐसी किताबें पढ़ते रहो और खुश रहो। जी दादाजी थैंक यू। दादाजी अभी मुझे पूरी बुक पढ़नी बाकी है, मैं आता हूँ। बाय पापा। हाँ बेटा वाह। बाबू जी मैं दया को बोल देता हूँ। ओहो क्या बात है दया रानी, आज तो बेडरूम को आपने एकदम बगीचे की तरह सुगंधित कर दिया। क्या बात क्या है मेरी कोयल? बात ये है मेरे कोयला, सॉरी मेरे जेंटस कोयल, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी सरप्राइज देने वाली हूँ। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? जहाँ पना आप आंखें बंद करके डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठिए, आपकी ये खनिज कुछ एक क्षण में आपके खिदमत में सरप्राइज
आज लेकर हाजिर हो जाएगी। ओहो, आज तो चमत्कारी हो गया है। हे ईश्वर, अबे जिंदगी के बाकी सारे दिन भी ऐसे ही रखना। अरे किस सोच में पड़ गए, जाइए बैठिए जल्दी जल्दी। आइए आइए जहाँ पना। पप्पू जी हो दया कह रहे कि आप आंख बंद करके डाइनिंग टेबल पर बैठो, कुछ सरप्राइज है। पप्पू जी आपको पता है सरप्राइज क्या है? अरे पगले, ऐसी छोटी छोटी खुशियों से ही जिंदगी खुशहाल होती है, उसे पूछ के गवा मत। बंद। अब आप आंखें खोल सकते हैं। फाफड़ा, जलेबी, कचौरी, पात्रा, गुलाब जामुन, ढोकड़ा। ये सब क्या है दया? सुबह सुबह ये सब तूने बनाया? नहीं, मैंने बनाया। अच्छा, तो ये सरप्राइज है। इसीलिए आप बोल रहे थे कि पूछ के मजा मत गवा बापू जी। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, ये सब मैंने बनाया है। हाँ, तो इसमें सरप्राइज क्या है? तुझे तो ऐसा बनाना आता ही है। अरे टप्पू के पापा, सरप्राइज ये नहीं है। ये सब खाना सरप्राइज नहीं है? हाँ। तो और क्या सरप्राइज है दया? जल्दी बता, कहीं खुशी के मारे मैं रो ना पड़ू। बताती हूँ, आज अभी अहमदाबाद से मेरा विराज सुंदर आ रहा है। बैठे बैठे क्यों आ गए ना आंखों में खुशी के आंसू? मुझे लगा तो मुझे अच्छा नजारा दिखाने के लिए पहाड़ पे चढ़ा रही है, लेकिन तूने तो पहाड़ पे ले जाकर धक्का मार दिया। क्यों? मतलब पैराशूट पहना के। जबरदस्त अनुभव हो रहा है। मतलब ये सारा खाना तूने सुंदर के लिए बनाया है? हाँ, ये सब सुंदरीना की फेवरेट आइटम है। अरे तो इतनी सारी फेवरेट आइटम बनाने की क्या जरूरत थी? दो तीन बनाती तो नहीं चलता? सुंदर इतना सब थोड़ी खाएगा। अरे आज उसको अपने फेवरेट आइटम में से कौन सी फेवरेट आइटम खानी है वो मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए मैंने उसकी सारी फेवरेट आइटम बना दी है। अब उसको इसमें से जो भी खाने का मन होगा खाएगा। अरे उसकी फेवरेट आइटम तो मेरा दिमाग है, सबसे ज्यादा वही खाएगा। चलो चलो जेठालाल, निकल लो, कहीं सुंदर आ गया तो चूना लग जाएगा। चलो मैं निकलता हूँ। कहाँ? दुकान। टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, अब थोड़ी देर रुक जाइए ना, सुंदर वीरा अभी आता ही होगा, उसके साथ नाश्ता करके फिर जाइए ना। अरे लेकिन जेठिया, अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था ना कि तुझे दुकान में कोई खास काम नहीं है, तू दुकान नहीं जाने वाला है? हाँ, लेकिन ये अभी दया की वजह से जाना पड़ रहा है बापूजी। मेरी वजह से? मतलब क्या है कि ये कचौरी देख के मुझे याद आया कि जामनगर से एक पार्टी आज मिलने आने वाली है, और उनको मैंने बोला था कि आप आते वक्त जामनगर की स्पेशल कचौरी लेके आना, तो क्या वो मैं भूल गया था, लेकिन अभी ये कचौरी देखी ना तो एकदम याद आया कि अरे दुकान तो अभी जाना ही पड़ेगा। इसलिए
चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बापू जी। जय जिनेन्द्र। मित्रों, जब कभी भयानक आंधी या तूफान आने वाला हो ना, तो उस वक्त आसमान की ओर निगाह हटा लीजिए। सारे के सारे पंछी व्याकुल होकर उड़ने लगते हैं। ठीक इसी तरह मेरे परम मित्र जेठालाल व्याकुल हो जाते हैं जब उनके साले सुंदरलाल आने वाले होते हैं। भाई, ये जीजा साले का रिश्ता भी चूहे बिल्ली की तरह है। अब इसमें कौन चूहा है, कौन बिल्ली है, ये बताने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि आप खुद समझदार लोग हैं। जिंदगी में दो चीजें आप कभी नहीं रोक सकते, एक जाता हुआ वक्त, एक आता हुआ साला। अब सुंदरलाल इस वक्त मुंबई आने के लिए निकल पड़े हैं, तो अब आप जानते हैं कि यहाँ पे धमाके निश्चित है। अब धमाके कैसे होंगे, धमाके खुशियों की बौछार लेके आएंगे या टेंशन की दीवार खड़ी करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे जीजा साले के खींचा ताने के बीच में हंसने के लिए तैयार रहिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.